सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ नोकिया 7 प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो नोकिया 7 की स्पेसिफिकेशन की पहले बात कर ले तो इसमें स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर दिया गया है। 6 इंचेस की फुल एचडी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले दी गई है, वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन के साथ में। जो स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, वो ऑक्टा कोर 2.2 GHz के क्लॉक है। एड्रीनो का 512 का GPU दिया गया है इसमें, और 4GB रैम वो DDR4 रैम है, और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है इसमें, और 256GB की SD कार्ड के आप एक्सपेंड कर सकते हैं। पर इसमें हाइब्रिड स्लिम शॉट का सपोर्ट दिया गया है इसमें। दूसरा, उसमें एक बॉडी की बात करें तो एल्यूमिनियम बॉडी है, 6000 सीरीज की एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है। बैटरी की बात करें तो 3800 mAh की बैटरी है, और इसमें ड्यूल कैमरा है। जो ड्यूल कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल और प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। जो पहला जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो उसमें जाइज ऑप्टिक्स का सपोर्ट दिया गया है, उसका एपर्चर है f1.7 है। और दूसरा जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका टेली लेंस 2x ऑप्टिकल जूम है, जो f2.6 का एपर्चर दिया गया है, और ड्यूल LED टोन के साथ फ्लैश है इसमें। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का है, उसका एपर्चर है f2.0, वो भी जाइज ऑप्टिक के साथ सपोर्ट है, और एंड्रॉयड 1 बेस 8.0 का इसमें सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो इस फोन की मेन हाईलाइट इसमें बताई गई है कि इसमें आपको जो साउंड है वो ओजो ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा, वो भी नॉइज कैंसलेशन के साथ में, वो 3 माइक्स अवेलेबल होंगे, और 6000 सीरीज की एल्यूमिनियम बॉडी है, और 2 days बैटरी लाइफ का कह रहा है कंपनी, दावा कर रहे हैं कि 2 days की आपकी बैटरी चल जाएगी। और कैमरा भी वो हाईलाइट दिया गया है कि 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा और सभी तरह के जो कंपोनेंट हम ध्यान पे रखें तो ये फ़ोन की प्राइस इसमें ली गई है इन लोगों ने कि 25,999 रुपये, यानी कि 26,000 का ये फ़ोन पड़ेगा, और आपको अमेजन में 30 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। अब फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में अच्छा ही बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 4GB रैम DDR4 का, जो 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। दूसरा जो इसमें 6GB रैम वाला और 64GB वाला रैम इसमें नहीं दिया गया है इसमें, तो एक ये पॉइंट है। दूसरी बात करें कि इस प्राइस में आपको बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।